नमस्कार जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर भी लोग संशय में है, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म में सनातनी धर्म में जो पर्व है मकर संक्रांति का, उससे लेकर गंगा स्नान, नदी तटों में स्नान और उसके बाद तिलकुट को खाने की जो परंपरा है उसको लेकर बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज चुकी है। और इस समय हम लोग बोकारो के सेक्टर 4G मोड़ पर अवस्थित हैं संजय तिलकुट भंडार दुकान में। और आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार के तिलकुट इस दुकान में इस पर्व को लेकर उपलब्ध कराई गई है। सीधे इस दुकान में चलते हैं और जानते हैं, बहुत सारी वैरायटीज यहां आपको देखने को नज़र आएंगी और उसी के क्रम में आपको अलग अलग प्रकार के टेस्टी, लजीज और स्वादिष्ट तिलकुट देखने को मिलेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। संजय कुमार। संजय जी, कितने दिनों से ये इस व्यवसाय से जुड़े हैं? 20 साल सर। 20 साल से यही कर रहे हैं आप? ये सर। अच्छा, 4G मोड़ पे। अच्छा, स्टेडियम रोड। 20 साल से, 2001 से चालू हुए हैं। 2001 से आपने तिलकुट बेचने के 22 साल हो गए। 22 साल से शुरू, यहाँ आप तिलकुट बेच रहे हैं, मूढ़ी बेच रहे हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं भोजन की उसको बेच रहे हैं। तो ऐसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, नवादा जिला। नवादा के रहने वाले हैं। हाँ। तो अभी जो कहा जाता है कि मकर संक्रांति का पर्व होता है हम लोग का, उसमें तिलकुट खाने की परंपरा है, तो आपके यहाँ किस किस वैरायटीज की और किस किस प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं अभी इस बार? गुड़, चीनी, हवा और लठा, रेवड़ी, तिलकुट, हर प्रकार इलायें सब उपलब्ध है। खजूर दिखाएंगे आप कौन कौन से किस, जैसे आप जो ये कह रहे हैं ये अलग प्रकार की, ये जो मूढ़ी का आपने इसको बनाया, इसका क्या नाम है? ये मूढ़ी लाए हुए। हाँ। ये तिल लाए हुए। अच्छा। और ये लगठो हुए। अच्छा। बादाम लाए हुए, ये हुए आगरा पेठा हुए। हाँ। तिलकुट चीनी वाले हुए, गुड़ वाले हुए। अच्छा। खोवा तिलकुट हुए। अलग अलग तिलकुट का दाम भी अलग अलग होता होगा? हाँ, अलग अलग तिलकुट अलग अलग दाम होते हैं। क्या है, जैसे खोवा वाले तिलकुट का अभी इस बार क्या बाजार में रेट रहे? खोवा का दाम 320 रुपये है। 320 रुपया क्या केजी? केजी। और गुड़ वाला 220 रुपये, चीनी वाला 200 रुपये। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4G का वह प्रसिद्ध तिलकुट दुकान है संजय तिलकुट भंडार, और यहाँ पर हजारों की संख्या में तिलकुट खरीदने के लिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार के तिलकुट इस तरह पैकिंग किए जा रहे हैं और ये तिलकुट जल्द ही आपको यहाँ पर पूरी तरह के खाली नजर आएंगे, क्योंकि ग्राहक आएंगे और इसको खरीद कर ले जाएंगे। इस तरह के डिब्बे में भी पैकिंग होती है और इसको कहा जाता है कि संदेश के तौर पर बाहर ले जाने में भी आप सक्षम होते हैं। कैसे इसकी पैकिंग करते हैं आप लोग? ये डब्बा बनाया हुआ आता है, इसको तिलकुट यहाँ तैयार करके बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें कितने वजन के तिलकुट डालते हैं? इसमें एक मैंने आधा किलो का है, 10 पीस में इसमें 10 पीस रहता है। अच्छा, तो कहा जाता है कि गुड़ का और चीनी दोनों तरह का तिलकुट, दोनों तरह का गुड़ और चीनी का। अच्छा, 200 रुपये किलो का है। अच्छा, क्या अंतर रहता है दोनों में, गुड़ और चीनी का? जो कोई पसंद करते हैं चीनी, कोई करते हैं गुड़ का पसंद। पसंद के आधार पर भी आप क्या होम डिलीवरी भी करते हैं क्या? होम डिलीवरी भी करते हैं। आप कितने दिनों से हैं? ये 20-21 साल हो गए। आप भी साथी हैं जी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के आपके इस तरफ पूरी तरह चारों तरफ आप अंदर आइए और देखिए कि चारों तरफ तिलकुट ही तिलकुट है। इसी तरह आपको बोलते हैं ये मूढ़ी का लाई है अलग अलग प्रकार के, और ये चारों तरफ देखिए पूरी तरह से तिलकुट सजा हुआ है मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाने को लेकर। हालांकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए भी लोग संशय में है, लेकिन हमारा जो सनातनी समाज है मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाता है और उसके बाद दही चूड़ा और अलग अलग प्रकार की खिचड़ी और फिर तिलकुट का सेवन करता है, और उस तिलकुट को लेकर पूरे बोकारो में इस तरह के बाजार आपको सजे हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग वेराइटीज के गुड़ के, चीनी के, खोआ के और कई प्रकार के तिलकुट और दूसरी चीज़ें आपके लिए लजीज भोजन के तौर पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इसकी खरीदारी कर अपना मकर संक्रांति और भी खुशनुमा मना सकते हैं। जैसा कि हम लोग लगातार आपको तिलकुट के बारे में दिखाने का काम कर रहे हैं, मकर संक्रांति को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है, और ये जो गुड़ है इससे भी तिलकुट बनाए जाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चीनी रखा हुआ है इससे भी तिलकुट की तैयारी होती है, और तिलकुट के साथ ही साथ एक
पापड़ी भी बनता है, जिसको लेकर अभी यहाँ पर जोरों शोर से काम हो रहा है। आइए आपको सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इस लजीज चीज को तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसको इसी तरह से जैसे हम लोग चीज़ों को मतलब हाथ से बनाने का काम करते हैं, उसी तरह आप इसके गोल गोल लोए बनाए जाते हैं और उसके बाद उसको पीस कर इसी तरह का एक रोटी की शक्ल दी जाती है। इसका क्या नाम है? इसका तिल पापड़ी। तिल पापड़ी, इसको कैसे बनाते हैं? इसको पहले चाशनी करके और इसको चारा जाता है खुट्टी पर। अच्छा। खुट्टी पर चढ़ा करके फिर तिले मिलाया जाता है। अच्छा। तिले मिला करके लोहिया काटा जाता है। अच्छा। लोहिया काट करके उसके बाद बेल कर बनाया जाता है। बेल कर बनाया। तो इसमें गुड़ या चीनी क्या देते हैं? गुड़, गुड़ और चीनी दोनों डालता है। दोनों डालते हैं जी। इसको तैयार करने में कितना समय लगता है? लगभग दो घंटे। दो घंटे लगते हैं। दो घंटे में कितना वजन का आप बना लेते हैं इसमें पापड़ी? लगभग 13 किलो। 13 किलो। 13 किलो। तो इसका डिमांड है मार्केट में? हाँ, डिमांड है। अच्छा। इसमें मतलब आपको कहा जाता है कि पूरा का पूरा तिल इसमें चिपका दिया जाता है? पूरा तिल इसमें मिला दिया जाता है। अच्छा। मिक्स करके बना देते हैं? पूरा मिक्स किया जाता है। अच्छा। अधिक तिल का मात्रा होता है, एक नंबर ही सामान हुआ। अच्छा। कहा जाता है कि दो तरह का तिल होता है, काला जो हम लोग का पूजा पाठ में यूज होता है और सफेद तिल से तिलकुट बनाया जाता है। तो ये तिल आता कहाँ से आपके पास? ये तिल आपका कानपुर से आता है। कानपुर से आता है जी। बिहार के किसी क्षेत्र गया हुआ से नहीं आता है? गया से ही, वही सप्लाई देता है उसकी, वही आता है। अच्छा, अच्छा। आपके इस दुकान का क्या नाम है? इस दुकान का नाम है भगवान तिलकुट भंडार। अच्छा। पापड़ी की तैयारी चल रही है और इसको पैकिंग भी किया जा रहा है, लोगों को उपहार के स्वरूप, लोगों की डिमांड के स्वरूप इसको भेजा जाएगा। लोग इसको भी बड़े चाव से खाते हैं और ठंड के मौसम में ये सभी चीज़ें खासे प्रिय है। एक इस दुकान के प्रबंधक इससे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? भगवान साहब। भगवान साहब जी, कितने दिनों से 4G के लोगों को सेवा दे रहे हैं, बोकारो के लोगों को सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ 33 साल हो गया। 33 साल से आप लोग हैं यहाँ पर? जी, 33 साल से। अच्छा। लोगों का भरोसा आप लोग जीत चुके हैं? जरूर, जीते तभी टिके हुए हैं। अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हम नवादा जिले के रहने वाले। नवादे से ही हैं आप लोग। तिलकुट के मौसम में लोग कहा जाता है कि काफ़ी संख्या में इसका जो होता है बाजार में इसकी बिक्री होती है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में इसको कम बनाया जाता है। तो आप लोग प्रत्येक साल कितने मात्रा के बनाते हैं, कितने टन या कितने क्विंटल का बनाते हैं? देखिए, जैसे जो होलसेलर बेचता है तो उसे ज़्यादा बना के बेचता है। हाँ। हम लोग अपना खुदरा, अपना माल अपना बना कर बेचते हैं। खुदरा वाला? हाँ, खुदरा। हम अपना बना के अपना बेचते हैं, पैकारी नहीं बेचते हैं। मैंने जो 50 किलो बने, 30 किलो बने, 60 किलो जो बना, मेरा अपना दुकान में आए, यहाँ से खरीद के ले जाए। हाँ, बस कस्टमर के लिए, पैकारी दुकानदार को नहीं देते। मैंने अपना माल अपना ग्राहक को देने के लिए बनाते हैं। अच्छा, एक तिलकुट बन जाने के बाद कितना दिन तक वो सुरक्षित रह सकता, खराब नहीं? अगर हवा और पानी बचा के रखेगा तो आप लोग महीना दिन तक रख सकते हैं। हाँ, गर्मी आएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, गर्मी में नहीं टिकता है। गर्मी में खराब हो जाता है? खराब हो जाता है, गर्मी में नहीं चलेगा। ये ठंडे पर है, ये है बस। और ठंडा का ये संदेश कहा जाता है इसको, तो ये ठंडा का संदेश है तिलकुट। गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता है, नमी से इसको बचा कर रखिए। तो आप महीने भर तक इसका सेवन कर सकते हैं, तिलकुट का आनंद ले सकते हैं। और सर्दी के मौसम में कहा जाता है कि ये प्रतिरोधक का भी काम करता है, जैसा कि सेवन करने के पश्चात डॉक्टर भी बताते हैं कि तिलकुट शरीर को गर्मी प्रदान करता है, इसके साथ जो गुड़ होता है वो भी शरीर को गर्मी प्रदान करता है। और इस कारण भी इस सर्दी के मौसम में, मकर संक्रांति के मौसम में तिलकुट का सेवन किया जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं, इस तरह आपके बादाम के लड्डू भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और बहुत सारे लजीज चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपना मकर संक्रांति खुशनुमा मना सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने मित्र, अपने परिवार को भी इसका आनंद देने में आप इसके उपहार स्वरूप बांट सकते हैं और मकर संक्रांति का त्यौहार एक भाईचारे के तौर पर मना सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं राम नारायण शर्मा, 4G मोड़।